अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब, आज हम बात कर रहे हैं प्रोपेगंडा क्या होता है। अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल वर्डिंग में बताऊं तो प्रोपेगंडा इज़ कंट्रोल ऑफ पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन का अगर आपको नहीं पता तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दिया है और ऊपर आप देख सकते हैं इसका साइन, वहाँ से आप इस वीडियो को खोल कर देख सकते हैं कि पब्लिक ओपिनियन क्या होता है। मैं आपको बताऊँ कि मैंने इसको सिंपली एक्सप्लेन किया था कि पब्लिक ओपिनियन इज़ द व्यूज़ ऑफ पीपल। पब्लिक ओपिनियन क्या है? व्यूज़ ऑफ द पीपल को हम पब्लिक ओपिनियन कहते हैं, किसी भी इशू से रिलेटेड। तो अब बात यह है कि इन व्यूज़ को, लोगों के जो व्यूज़ हैं, पब्लिक के जो व्यूज़ हैं, इन व्यूज़ को कंट्रोल कर लेना, ये प्रोपेगंडा है। बहुत ही सिंपल सी इसकी मैंने आपको डेफिनेशन बताई है। अब हम देख लेते हैं कि लोगों का इसके बारे में क्या नज़रिया है। अब जैसे हॉरल्ड लाजवेल जो है, हॉरल्ड डी लाजवेल, उन्होंने इसको डिफाइन किया था कुछ इस तरह से, इट रेफर्स सोली टू द कंट्रोल ऑफ ओपिनियन बाय सिग्निफिकेंट सैम्पल्स, स्टोरीज, रूमर्स, रिपोर्ट्स, पिक्चर्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ सोशल कम्युनिकेशन। यानी बात वही है कि कंट्रोल ऑफ ओपिनियन इन्होंने बताया, क्या बताया? कंट्रोल ऑफ ओपिनियन, इट रेफर्स, मतलब ये कंट्रोल ऑफ ओपिनियन से लिंक्ड है, कंट्रोल करता है ओपिनियन को किन चीज़ों के ज़रिए से, सिग्निफिकेंट सैम्पल्स यानी लोगों को डिफरेंट सैम्पल्स दिखाकर, कुछ स्टोरीज सुनाकर, कुछ रूमर्स और कुछ रिपोर्ट्स, कुछ पिक्चर्स या किसी भी किस्म की सोशल कम्युनिकेशन के ज़रिए से लोगों के ओपिनियन को कंट्रोल करने का नाम है प्रोपेगंडा। आपको उम्मीद है समझ आई होगी मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उसके साथ साथ एक और इसकी अच्छी सी डेफिनेशन हम देख लेते हैं, जो उसके मुताबिक यह है कि प्रोपेगंडा जो है ये एक एफर्ट है टू मेक पब्लिक ओपिनियन, यानी पब्लिक ओपिनियन बनाने की, क्रिएट करने की एक एफर्ट है। और अब पब्लिक ओपिनियन बनाना वो तो समझ आ गई, एक एफर्ट है पब्लिक ओपिनियन बनाने की, लेकिन क्या वो पब्लिक ओपिनियन आमतौर पर जैसे बनता है उसी तरह का पब्लिक ओपिनियन बनाना चाह रहे हैं? नहीं, इन फेवर ऑफ अ पर्टिकुलर इंटरेस्ट, यानी किसी खास किस्म के मकासिद को, खास किस्म के मकासिद को पूरा करने के लिए पब्लिक ओपिनियन अपनी मर्ज़ी से डेवलप करना, उसके लिए जो एफर्ट की जाए उसे हम प्रोपेगंडा कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कहूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो मुल्क है इसके अंदर डैम ना बने, तो डैम ना बनने के लिए मैं जो क्रिएट करूँगा लोगों के अंदर ओपिनियन को, किस तरह से क्रिएट करूँगा? डिफरेंट तरह की जो है ना, सोशल कम्युनिकेशन के ज़रिए से, यानी कि रूमर्स दिखा के, स्टोरीज सुना के, सैम्पल्स दिखा के, पिक्चर्स या रिपोर्ट्स, कुछ भी चीज़ें इस तरह की दिखा कर या शो करके उनको या सुना कर, मैं लोगों का ये ओपिनियन बनाना चाहता हूँ कि डैम मुल्क में नहीं बनना चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड प्रोपेगंडा, इट्स अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ प्रोपेगंडा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और मज़ीद ये कि आप हमारे साथ लिंक्ड रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर कर लिया तो वेल एंड गुड, नहीं किया तो जल्दी से कर लें, और उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी नई से नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ओरिजिन क्या है, व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ प्रोपेगंडा, प्रोपेगंडा स्टार्ट कब हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।